अंदर शर्ट पहनने गया और तुम आकर गए। अरे फोन कर देने का ना, चाचू आकर गए। तमाम देशवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ वाक़यात औरंगाबाद के अंदर पेश आए थे, जहाँ पर पुलिस वालों की कुछ ज़्यादती नज़र आ रही थी कि जो क़ुरबानी के जानवर लाए जा रहे थे उन्हें पकड़ना, और कुछ पुलिस स्टेशन की ख़ास तौर से शिकायतें आई थी। उस बुनियाद के ऊपर हम यहाँ पर जिनसी पुलिस स्टेशन के अंदर आए और अपनी जो भी शिकायत है वो यहाँ पर दर्ज कराए है। डीसीपी साहब नवनीत कन्वत साहब, एसीपी ये वो सब यहाँ पर आए और उन्होंने हम सबको आश्वासन दिया है कि इसके अंदर जो भी दोषी लोग रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो कार्रवाई का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। आप अगर जानवरों को अगर रोकना ही है तो महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला करना था कि जो बाजारों के अंदर आ रहे हैं वहीं पे रोकना। एक तरीके से आप जानवरों को बाजार तक लेके आ रहे हैं, लोग उसको खरीद के लेके आ रहे हैं, बाजार पर पावती फाड़ रहे हैं, और फिर पुलिस के कुछ एजेंट जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर ये जानवर है, फिर पुलिस आके वहां पर वो जानवरों के ऊपर कार्रवाई कर रही, वहां पे वो लोगों को भी उठाकर लेकर आ रही है, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ पर जिनसी पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ लोगों को यहाँ पर लाकर बिठाया गया और उनसे कहा गया कि अगर दूसरे जने नहीं आएंगे तो तुमको यहीं पे बैठा रहना चाहिए, तो कानून ऐसा नहीं कहता है इसमें। और फिर बाद में ये पता चला है कि यहाँ पे जो एजेंट लोग काम करते हैं, जो दलाली का काम करते हैं, वो लोगों ने बाहर इनको छुड़ाने के लिए तुम्हारा नाम एफआईआर के अंदर नहीं आएगा, तुमको है तो लाख दो लाख रुपये देना पड़ेगा करके, तो ये बातें सामने आई है। सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर की बात सामने आई है कि पैसा लेकर वहां पर पहले जानवरों को पकड़ा गया लेकिन कांस्टेबलों ने पैसा लेकर है तो फिर जानवरों को छोड़ दिया गया है। हम ये बात मानते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था गाय के अंदर है। हमने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये कहा था कि हम इस बात का सम्मान करते हैं कि इस जानवर का आपका माता का दर्जा दिया हुआ है करके, हम कहीं पर भी इस बात का की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और अगर पुलिस वाले पैसा लेकर अगर इसे छोड़ रहे हैं तो आप सोचिएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत है करके। इस बुनियाद के ऊपर डीसीपी साहब ने एश्योर किया है कि हमने जो जो हमारी शिकायतें दर्ज करवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। तुम्हारा ठीक है तो नहीं माला होगा, बस माजी खासदार साहब यहाँ पर आए थे तो उनको कंसर्न्स थे, जो आज पुलिस स्टेशन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के तरीके को लेके कंसर्न थे। उन्होंने काफ़ी शिकायतें भी हमारे को बताई हैं, पुलिस स्टेशन के जो हमारा स्टाफ है वो किस तरीके से उन लोगों ने उस सिचुएशन को हैंडल किया, कौन कौन लोग हैंड इन ग्लोव्स हैं, उन्होंने पूरा विद एविडेंस हमारे को दिए हैं। एंड आई अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ, मैं सीपी सर की तरफ से आप सभी को अश्योर करता हूँ कि जो भी शिकायतें हैं आपकी, जो भी आपके कंसर्न है, उस हर एक चीज़ की तह से जाँच की जाएगी और जो भी एफआईआर हमने आज रजिस्टर की है उसका भी इन्वेस्टिगेशन एकदम ट्रांसपेरेंटली एंड फेयरली किया जाएगा। और इसके अलावा भी मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आपके आपके पास जो भी शिकायतें हैं पुलिस स्टेशन और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग को लेके, आप किसी भी समय मेरे डीसीपी जोन 2 ऑफिस में आ सकते हैं और आप मेरे से मिल सकते हैं और उस पर डेफिनेटली मैं अश्योर करता हूं कि मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। अभी तक जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई की है आप लोग को एक पास बैकग्राउंड पता ही होगा, तो आई अश्योर यू कि आप जो भी कंसर्न मेरे पास लेके आएंगे उसमें हम डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट ला कर दिखाएंगे। हमारा अल्टीमेटली सीनियर ऑफिसर्स का, पूरी पुलिस का यही उद्देश्य है इस शहर में कि शांति और अमन कायम रहे, और आप सभी के कंसर्न जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम आप सभी की हेल्प कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए सेवा कर सकते हैं, हम आप उस चीज़ के लिए तत्पर हैं। थैंक यू सर। पर औरंगाबाद आयुक्तालय छत्रपति संभाजी नगर आयुक्तालय की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। मैं निकाल लेता हूँ।